हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो ईयर गैप होता है उसमें क्या कंपनियां कोई भी आपको हायरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या आपको आईटी सेक्टर में जॉब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस पर मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, आप वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्स अच्छी से जानकारियाँ हर चीज़ मिल सके। तो गाइज, आप सबको पता है कि बहुत सारे कंपनियां जो होती हैं, अगर 3 साल 4 साल 5 साल अगर गैप हो जाता है तो आप उनकी जो भी कंपनियां जॉब देती हैं, अपनी हायरिंग जो भी लेकर आती है, उसमें आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो गाइज, आपको बता दें कि अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी के लिए 2 साल 3 साल ईयर गैप हो गया, तो आपको कुछ ही कंपनियाँ हैं लाइक कि आपका इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, एसेंचर, विप्रो, ये सारे हैं जो कि अगर 3 साल तक आपका गैप हो जाता है, ईयर गैप, तो आपको वो अपने जो भी हायरिंग होती है उसमें वो बैठने देते हैं, आप उनके कंपनी में आप जॉब पा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 4 साल 5 साल गैप हो गया तो क्या होगा? तो गाइस, अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बन रही है तो आपको जो भी ये कंपनियां हैं इनको आपको छोड़ना पड़ जाएगा, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी आईटी सेक्टर में अगर आपका 4 साल 5 साल गैप हो गया तो। उसके लिए आपको तो सबसे पहले कि अगर किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर ज़्यादा गैप हो गया, मान लीजिए आप स्टार्टअप में ही जाएंगे तो वो भी तो पूछेंगे ना आपसे, अगर आपको जेन्युइन रीज़न हुआ तो भी आपको बताना पड़ेगा, हर चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ज़्यादा गैप हो जाएगा तो फिर वो इंटरव्यू अगर हम बैठेंगे तो आपसे तो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, हर तरह से पूछेंगे कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, इतने साल से आपका गैप है तो उसमें क्या आपने सीखा, हर चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करके तब किसी स्टार्टअप में भी ज्वाइन करना होगा। अगर आप आईटी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो आपका सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करिए, उसमें 2 साल 3 साल आप जॉब करिए, उसके बाद आप डायरेक्ट किसी भी हायरिंग अपडेट जो भी आएंगी आईटी सेक्टर उसमें आप जा बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आईटी सेक्टर के जो भी रहेंगे वो आपको फिर बाद में ईयर गैप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अगर पूछती हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं स्टार्टअप किया था, वहाँ से मुझे जॉब मिली, फिर से तब मैं यहाँ 2 साल 3 साल वर्क किया हूँ, फिर से ना मैं आपके यहाँ आया हूँ, इस तरह से बता सकते हैं। तो एक आपका जेन्युइन रीज़न हो जाएगा कि हाँ, वो भी समझेंगे कि हाँ इसको आता है, जो भी आता होगा तभी इसमें आया हुआ, ये सारे चीज़ें होती हैं। तो गाइस, आपका ईयर गैप होता है तो आपको सबसे आसान ये रहेगा कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी पर आप वर्क सीख लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखिए, जैसे आजकल जो मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड में उस टाइप की टेक्नोलॉजी सीखिए ताकि आपको आसानी से किसी भी स्टार्टअप में जॉब भी मिल सके। तो आपको हर चीज़ देखते हुए चलना है, आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से आएगी तो फिर आप किसी भी कंपनी में आसानी से प्लेस हो सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ईयर गैप होता है आप, तो आप इस तरह से करेंगे तभी आप किसी भी आईटी सेक्टर की जो भी आपका ड्रीम होगा वो पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको किसी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ज़्यादा गैप हो गया तो आप कैसे बैठेंगे ये सब चीज़, उसके लिए आपको हर चीज़ आपको अच्छे से इंटरव्यू में बैठेंगे तो हर चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ईयर गैप होने पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारे कंपनियाँ हैं उनकी परसेंटेज कुछ क्राइटेरिया भी होती हैं, जो कि इन्फोसिस है उसका 65% से आपका कम है ग्रेजुएशन में तो भी आपको बैठने नहीं देंगे। तो आपको हर चीज़ देखना होता है। तो इस तरह के हैं, तो अगर आप 2 साल 3 साल अगर आपका गैप है तो आप आईटी सेक्टर कि जो भी जॉब में है उसमें आप जा सकते हैं, आईटी कंपनी में आप अवेलेबल हो सकते हैं अपने लिए इंटरव्यू में बैठने के लिए, जो भी उनकी प्रोसेस होती है उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन अगर 4 साल 5 साल गैप हो गया तब दिक्कत है आपको, तब आप आईटी सेक्टर की जो भी जॉब है उसमें आप कोई भी कंपनी आपको नहीं ले जाएंगी, कोई भी कंपनी प्लेस नहीं करेंगी आपको। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा अच्छे से। तो मैं सोचा आप लोग बता दो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो जो कि कन्फ्यूजन में होते हैं, उनका ईयर गैप हो जाता है, उसके बावजूद वो सोचते हैं कि मैं इस कंपनी में जाऊंगा उसमें जाऊंगा, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो सोचा मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि क्या मतलब सच्चाई है, नहीं तो आप लोग पहले से सोच लेते हैं कि गैप हो गया उसके बावजूद मैं इस कंपनी में जाऊँगा उस कंपनी में, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, आपको भ्रम रहने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो यही सब चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो अगर 5 साल 6 साल गैप हो गए आपके तो उसके लिए आपको पहले स्टार्टअप में ही जाना पड़ेगा, जहाँ से एक्सपीरियंस लेकर ही आप आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। अगर ये सबसे पहले आपको ईयर गैप तो करना ही नहीं चाहिए,
अगर हो भी गया बाई चांस तो आप उसके लिए आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा अच्छे से, कोई भी चीज़ें होंगी अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं तो अच्छे से जानकारी होगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप बैठेंगे तो आपसे वो गैप इतना दिए हैं तो उसके सब चीज़ पूछेंगे ना कि इतना गैप है, तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं आती, कुछ आती है कि नहीं आती है, हर चीज़ पूछते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोचा आप लोग बता दो। चलिए आज फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।